नदियों के घटते जलस्तर के बाद अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में सुधार नजर आ रहा है। फिर भी जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार राशन किट और खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ पशुओं के लिए भूसा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद में पहली बार मोबाइल टॉयलेट के अलावा कनाट टॉयलेट बनाकर बाढ़ राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को शौचालय की उत्तम व्यवस्था की गई है। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ खड़ा है। खाद्यान्न के साथ राशन किट का वितरण और पशुओं के चारा और मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की गई है। लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सक पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच के साथ पशु चिकित्सक पशुओं की भी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जगह क्षेत्र के राजधानी में कनाट टॉयलेट बनाया गया है, जिससे लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में ग्राम राजधानी में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए कनात शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को शौच के लिए कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। असर घट रहा है, लेकिन जो गांव और जलमग्न हुए हैं वहां पे पूरी तरह पानी आबादी में अथवा खेतों से हटने के लिए समय लगेगा अभी, तो इसलिए निरंतर बाढ़ राहत के कार्य चल रहे हैं, सुनियोजित तरीके से चल रहे हैं। राशन किट्स का वितरण, फूड पैकेट्स का वितरण, जहां विस्थापन हुआ है वहां कम्युनिटी किचन का संचालन भी चल रहा है। दवाइयों के लिए, विशेषकर जब पानी रिसीड होता है, दवाइयों के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, इसलिए स्वास्थ्य टीम वहाँ पे लगातार भ्रमण करके आवश्यक सुविधाएं उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। परीक्षण भी किया जा रहा है पशुओं के लिए, पोषण टीकाकरण और चारा का वितरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। नावों के लिए पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है, 450 से ज़्यादा नावें अभी तैनात किए गए हैं। लगातार अधिकारियों के भ्रमण हो रहे हैं और लगातार लोगों से फीडबैक लेते हुए सुधारात्मक कार्रवाइयाँ जहाँ गैप्स रहती हैं वहाँ की जा रही हैं, और कोशिश ये है कि सभी को राहत सामग्री शासन की मंशानुरूप पहुँचाया जा सके। सर, कुछ शौचालय भी बनाए गए टेंट लगा करके? हाँ, जहाँ लोगों का विस्थापन हुआ है, लोग बंदे पे रह रहे हैं, बाढ़ शिविरों में रह रहे हैं, वहाँ शौचालय की मांग को लेके मोबाइल टॉयलेट्स की तैनाती के साथ साथ कनात शौ टॉयलेट्स भी वहाँ निर्माण करे कर गए हैं, ताकि विशेषकर महिलाएं बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। सर, पशुओं की चारा की व्यवस्था की गई उसमें? तो पशुओं के लिए अभी तक करीब 700 कुंटल चारा वितरण किया गया है, और लगातार जहां गांव में मांग को देखते हुए वितरण की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी।